Hi students, today we are going to discuss about phylum Hemichordata and the example is Balanoglossus. कल के क्लास में हमने फाइलम इकानोडर्माटा पढ़ा हुआ है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा, तो ये लास्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स में से. तो हेमिकॉर्डेटा जो है वो एक इम्पोर्टेंट फाइलम है जो कि इवोल्यूशन के व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स है. तो ये कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या होता है? तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ये दिखाते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वायरसेस का एग्जांपल हमें पता है जो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है. ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है. तो यहाँ पे हम जो हेमिकॉर्डेटा पढ़ने वाले हैं वो भी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स है, वो भी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स है. तो यहाँ पे अगर हम ये जो फाइलम पढ़ेंगे उसमें एग्जांपल देखने वाले हैं बेलानोग्लॉसस का. तो यहाँ पे इसके कुछ जनरल फीचर्स लिए हैं हमने. तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है बेलानोग्लॉसस का एग्जांपल है, तो इस पे देखिए बेलानोग्लॉसस के एग्जांपल पे अगर हम देखते हैं तो बेलानोग्लॉसस में थ्री डिविजन्स इसके आपको दिख रहे हैं. तो थ्री डिविजन्स में हम क्या देखेंगे, बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू प्रोबोसिस कुलार एंड ट्रंक. बॉडी किस पे डिवाइड हो गई है, प्रोबोसिस कुलार एंड ट्रंक. ये प्रोबोसिस है, ये कुलार का रीजन है और ये क्या है, ट्रंक का रीजन है. तो ये थ्री डिविजन्स इसमें इसके बॉडी में हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो अब ये कनेक्टिंग लिंक है तो कौन से कैरेक्टर्स वो दिखाता है कॉर्डेट्स में से क्यों? तो यहाँ पर जो हम फाइलम पढ़ रहे हैं वो नॉन कॉर्डेट्स के हैं और इसको कहा गया है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो ये कौन से कैरेक्टर्स दिखाता है कॉर्डेट्स में से? तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन प्रोबोसिस रीजन. इसके प्रोबोसिस के रीजन पे, ये जो प्रोबोसिस का रीजन है, इस प्रोबोसिस के रीजन पे क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. जो कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये जो कैरेक्टर है वो किसका है, वो कैरेक्टर है कॉर्डेट का. वो कैरेक्टर किसका है, कॉर्डेट का है. जो भी हमने नॉन कॉर्डेट के अब तक के फाइलम्स पढ़े तो इसमें कहाँ पर भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ये जो हम हेमिकॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे, तो उसमें क्या है, प्रोबोसिस के रीजन पे आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलता है. तो जैसे कि हमने प्लाटी हेलमिंथस में जो वर्म्स थे उनको कहा था फ्लैट वर्म्स, जो एस्के हेलमिंथस के वर्म्स थे उनको हमने कहा था राउंड वर्म्स, वैसे ये जो बेलानोग्लॉसस है या फिर जो इसके एग्जांपल्स हैं हेमिकॉर्डेट कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं उनको कहा जाता है एकॉर्न वर्म्स. तो इनका जो हैबिटेट है वो है मराइन हैबिटेट. ये क्या करते हैं, ये सैंड में, इनकी जो हैबिट है वो बोरोंग हैबिट है जो कि सैंड में रहते हैं होल बना के. इनके पास और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके पास और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज़ वन टू मैनी फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वन टू मैनी फेरेंजियल गिल स्लिट्स. तो ये जो प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो भी कैरेक्टर किसका है, कॉर्डेट का है, वो भी कैरेक्टर किसका है, कॉर्डेट का. तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो कैरेक्टर्स पढ़े हैं जो कि कॉर्डेट से, वो जो कैरेक्टर्स है वो कॉर्डेट्स के हैं. एक्चुअली ये जो फाइलम है, ये फाइलम हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स में से, बट इसने दो कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए कि जो कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स के हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस और दूसरा प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स. ये जो एनिमल्स होते वो मोस्टली यूनिसेक्सुअल है और जो सम उसके एग्जाम्पल्स होंगे, सम स्पेसिस होंगे, तो ये कुछ
हर्माफ्रोडाइट है। तो ये दो वर्ड्स हमें पता है, यूनिसेक्सुअल यानी कि जहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं तो वो अलग अलग मेल एंड फीमेल के बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। वैसे जो हर्माफ्रोडाइट है तो एक ही बॉडी होगी, एक सेम बॉडी पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। और इसके एग्जांपल में बेलनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, ये दो एग्जांपल्स हमने इसके लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैरेक्टर्स हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कनेक्टिंग लिंक इसको क्यों कहा गया है। तो कनेक्टिंग लिंक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ कैरेक्टर्स जो है वो कॉर्डेट्स के दिखाता है। तो कौन से दो कैरेक्टर्स ये कॉर्डेट के दिखाता है तो ये हमें देखना है कि कौन से कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है और यहाँ पे जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स है, वन टू मेनी फेरिंजियल गिल स्लिट्स का जो प्रेजेंस ये दिखाते हैं, इसकी वजह से इनको कहा गया है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो इसके जनरल फीचर जो है वो फिर से रिवाइज करेंगे हम। ये बेलनोग्लोसस का एग्जाम्पल लिया है जिसकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जैसे कि प्रोबोसिस है, कुलार का रीजन है और ट्रंक का रीजन है। तो ये थ्री इसके डिविजन्स हैं, प्रोबोसिस, कुलार एंड ट्रंक। नेक्स्ट वन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन प्रोबोसिस रीजन, थ्रू आउट बॉडी इसके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, थ्रू आउट बॉडी इसका इसके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ प्रोबोसिस के रीजन पे इसके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो नोटोकॉर्ड क्या है ये आपको पता है? तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। ये क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है, इसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ये कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का। तो ये कैरेक्टर कौन दिखाता है, बेलनोग्लोसस दिखाता है जिसके प्रोबोसिस के रीजन पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और नेक्स्ट वन जो इसका कैरेक्टर है इसको हम कह सकते हैं एकॉनवर्म्स। इनकी जो हैबिटेट है ये मराइन हैबिटेट है, यानी कि सी वाटर में ये देखने के लिए मिलते हैं, इस सैंड में होल्स बना के रहते हैं, तो ये इनकी हैबिटेट है। इनके पास वन टू मेनी फेरिंजियल गिल स्लिट्स है। तो गिल स्लिट्स जो है वो किसके लिए हैं, तो गिल स्लिट्स होते हैं, तो गिल स्लिट्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए ये बनाए गए हैं, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स है, फिश है। तो यहाँ पे फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वाटर में से ले लेते हैं और पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट किया जाता है ब्लड के साथ। तो प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स ये भी कैरेक्टर है कॉर्डेट का, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट का फाइलम दिखाता है। नेक्स्ट वन इज मोस्टली यूनिसेक्सुअल बट सम स्पेसिस आर हर्माफ्रोडाइट ऑल्सो। और यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, बेलनोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस। तो उसमें से हमने ये बेलनोग्लोसस का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे नॉन कॉर्डेट्स में से सारे फाइलम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्डेट्स के जो फाइलम से, सब फाइलम से, उसमें से कॉर्डेट का जो कॉर्डेटा का जो फाइलम है तो उसमें से जो सब फाइलम्स आते हैं थ्री सब फाइलम से, और एक सब फाइलम जो है उसमें से छः क्लासेस हमें नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करने हैं। तो कल के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्डेट्स का सब किंगडम, जहाँ पे हमें पढ़ना है फाइला कॉर्डेटा। तो ये जो हेमी कॉर्डेटा है वो इवोल्यूशन के हिसाब से इसको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ दैट जो वर्टेब्रेट्स है, यानी कि जिनमें वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जैसे कि नोटोकॉर्ड है, तो नोटोकॉर्ड कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें वो रिप्लेस हो गया है वर्टेब्रल कॉलम से, तो ऐसे एनिमल जो है तो वो इवॉल्व हो गए हैं नॉन कॉर्डेट यानी कि इनवर्टेब्रेट्स से। तो इसकी वजह से इवोल्यूशंस के पॉइंट से अगर हम देखते हैं, उस व्यू से अगर हम देखते हैं, तो हेमी कॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कल के क्लास में हम स्टार्ट कर देते हैं फाइलम कॉर्डेटा।